हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्विक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मेंस लेवल डीआई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सेट एट करने वाले हैं। आज की डीआई भी हमेशा की तरह डीप कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम। इसमें आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड, और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको इसमें दूंगा। और आपकी प्रॉब्लम में से ही जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी लेकर आऊंगा। तो आज ही इसको ज्वाइन करिए, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, ये आप टाइप करिए, ऐसा आपको लोगो दिखेगा, और प्रैक्टिस के लिए डेली पीडीएफ डाउनलोड करिए। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे। तो दोस्तों, ये आपके सामने दिया ही है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन 1 भी इसमें गिवेन है, बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आपको दूंगा 5 मिनट।
टाइम ओवर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डीए समझ में आ गई होगी और आपने पहला क्वेश्चन भी बना लिया होगा। जिसको समझ में आ गई है अच्छी बात, जिसको नहीं आई है कोई बात नहीं, इसकी अप्रोच देखते हैं क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी डी एंड ई आर फाइव एम्प्लॉयज ऑफ स्टडी की कंपनी, ओके, हु अर्न सम सैलरी, स्पेंड सम ऑफ इट ऑन रेंट, कुछ रेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, सम ऑन शॉपिंग, कुछ शॉपिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड सेव दी रेस्ट, और जितना बचेगा उसको वो बचा लेंगे, उसमें हम सेविंग मान लेंगे। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दी परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ सेविंग फॉर फाइव एम्प्लॉय। इसको जरा मार्क कर लिया जाए, सेविंग्स को। ये जो पाई चार्ट है इसमें ओनली सेविंग्स गिवन है, ठीक है, इसमें ओनली अपन को सेविंग्स गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, पाई चार्ट का मतलब समझ में आ गया। आगे हमने पढ़ा, द चार्ट गिवन बिलो शो दी सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर इसको मार्क करा जाए, सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ओके, एंड रेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा रेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करा है वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस टर्म्स को जरा मार्क किया जाए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको कैसे अपन को लिखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, जो ये ब्लू वाली लाइन होगी ये हमारे को बताएगी सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया हुआ है एज अ का मतलब, जो एज अ के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो अपन नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर नीचे लिखेंगे और यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कंपेयर करने को बोला है टोटल एक्सपेंडिचर से, ओके। यहाँ पे देखो सेविंग था तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेविंग ऊपर रखा है ब्लू वाले में, यहाँ पे देखो रेंट था तो यहाँ पे इन्होंने रेंट ऊपर रखा है। इतना सबको क्लियर है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा रेंट और शॉपिंग पे, ये दो चीजें हैं जिस पे वो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। टोटल इनकम आपको पता ही है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको उसने क्या पूछा है, इफ दी एवरेज शॉपिंग एक्सपेंडिचर, जो शॉपिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ ए और बी का, वो आपको गिवेन है 56,000, ओके, व्हाट इज देयर टोटल सैलरी, इन दोनों की टोटल सैलरी क्या होगी। इतना सबको क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इसकी अप्रोच क्या है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट की हमारे को कोई भी टोटल वैल्यू नहीं दी, तो हम इसकी टोटल वैल्यू मान लेंगे 100x। मैंने इसकी टोटल वैल्यू मान ली 100x, और एक बार आपको मैं बता देता हूँ ये सेविंग एक्सपेंडिचर और ये जो रेंट एक्सपेंडिचर है ये हमारे को लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पर गिवन है, द चार्ट गिवन बिलो शो दी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर एज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एज आ विद रिस्पेक्ट टू के राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा होता है वो हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि हम उससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा है सेविंग, तो सेविंग आपको ऊपर आ जाएगा, और ये आपकी परसेंटेज यहाँ पे ब्लू लाइन में गिवेन है। ये रही, देखिए यहाँ पे ब्लू में सेविंग ऊपर है, एक्सपेंडिचर नीचे है, ये इसको लिखने का तरीका है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बोल रहा है एंड रेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, और जो रेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी टोटल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवेन है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, ये सबको क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे बनाना है देखते हैं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, इफ द एवरेज शॉपिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज ₹56,000, वॉट इज देयर टोटल सैलरी। अगर एवरेज दे रखा है आपको शॉपिंग एक्सपेंडिचर का, जो एक्सपेंडिचर हुआ सिर्फ शॉपिंग पे, वो ए और बी के लिए आपको दे रखा है 56,000। तो सबसे पहले आपने देखा ए और बी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और बी दोनों को हम सामने ले आए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो परसेंटेज आपको दे रखे हैं ये आपको दे रखे हैं सेविंग्स के परसेंटेज। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दी परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ सेविंग्स, तो इस पॉइंट को मार्क करो, सेविंग के ब्रेकअप दे रखे हैं। तो मैंने कहा ए की सेविंग निकलेगी यहाँ से मेरी इस पाई चार्ट से, और बी की सेविंग निकलेगी मेरी इसी पाई चार्ट से, तो मैंने कहा ए का जो परसेंटेज है वो दे रखा है 12.5%, तो मैंने एक्स लिया है तो यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा, और बी के लिए दे रखा है 15, तो यहाँ पे मुझे 15x लेना पड़ेगा। अब देखो इसको हम थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ये पॉइंट का मैं 0 इधर दे देता हूँ और इसको मैं 25 से कट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा मेरा 6x। ये आ गए मेरे ए की सेविंग और बी की सेविंग के रेशियो 5x और 6x। इतना सबको क्लियर है, यहाँ से हमारे सेविंग के रेशियो निकल गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे को कहीं भी कोई भी डिजिट नहीं दे रखी है, पर हमारे को इन्होंने क्वेश्चन में एक डिजिट दी है, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। मैं आपको हर डीआई में कहता हूँ जहाँ पे वैल्यूज होती है वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, तो मैंने देखा ये जो वैल्यू है किसकी दे रखी है, एक बार रोड मैप बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉपिंग ए प्लस शॉपिंग बी इज इक्वल टू
56,000 और ये एवरेज है, तो मुझे यहाँ पे अपॉन में 2 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी यहाँ तक हमारे को पूछना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 56,000 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ तक कैसे पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा ए और बी की बात हो रही है, तो ए और बी को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब ए में देखो ये जो ब्लू लाइन है ये मेरे को शो कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए के लिए। ए के लिए मुझे जो ब्लू लाइन है शो कर रहा है, ऊपर मुझे सेविंग का दे रखा है और नीचे मुझे एक्सपेंडिचर का दे रखा है। ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसने बोला है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा नीचे आएगा, सेविंग मेरी ऊपर आएगी। क्या दे रखा है मुझे ब्लू लाइन में? मुझे ब्लू लाइन में दे रखा है 12.50%, और 12.50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये सबको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरी जो 1 यूनिट होगी वो सेविंग की होगी, और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे 8 होगा। दूसरा रेशियो मेरे को दे रखा है, यहाँ पे मुझे दूसरा रेशियो दे रखा है रेंट और एक्सपेंडिचर का। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर मेरा हो जाएगा, ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है। रेंट की यूनिट मेरे को दे रखी है यहाँ पे 20%, तो इसका मतलब ये है 1/5 हो जाएगा यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो रेंट का मेरा हो गया 1 यूनिट और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे हो गया 5 यूनिट। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गिवेन है, मतलब इसमें शॉपिंग का एक्सपेंडिचर भी है और इसके अंदर रेंट का एक्सपेंडिचर भी है। अब मैंने देखा अगर मेरे पे ऊपर रेंट दिया हुआ है, अगर इस 5 में से मैं ये रेंट को माइनस कर दूं तो मेरा यहाँ से रेंट हट जाएगा और मेरा ओनली शॉपिंग बच जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। इस 1 को मैंने इस 5 में से माइनस कर दिया, अब ये जो मेरी यूनिट आ गई 4 यूनिट, ये ओनली मेरा जो एक्सपेंडिचर आ गया ये मेरा शॉपिंग का एक्सपेंडिचर आ गया। क्या इतना सबको क्लियर है? यहाँ से हमारे को शॉपिंग का एक्सपेंडिचर निकालना है। अब देखिए ये तो सब रेशियो में, रेशियो से तो आंसर आएंगे नहीं, हमारे को यहाँ तक पूछना है। अब यहाँ तक पूछने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन सब का बेस हमारे को इक्वल करना पड़ेगा। बेस कैसे इक्वल करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो कंसेप्ट है आप बहुत ध्यान से सीखना, ये हर डीआई में काम आता है, हर मेंस लेवल की डीआई में यही कंसेप्ट हर डीआई को हार्ड और इजी बनाता है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे जो हमने बेस वैल्यू मानी थी, देखिए इस पूरे पाई चार्ट की हमने बेस वैल्यू मानी थी 100x। अब इसमें से जो भी परसेंटेज निकलेंगे वो तो सब हमारे एक्स में निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के अंदर ये जो मेरा सेविंग और एक्सपेंडिचर का होगा इसका बेस कुछ और रहा होगा, और रेंट और एक्सपेंडिचर का बेस यहाँ पे मेरा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सबके इंडिविजुअल इनको इन्होंने हमारे को परसेंटेज दे रखी है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला, देखो यहाँ पे बी की अलग दे रखी है, सी की अलग दे रखी है, डी की अलग दे रखी है, और यहाँ पे सबका कंबाइंड एक ही चार्ट में से निकालने को बोला था हमारे को। ठीक है, तो हमारे को पता चला यहाँ पे बेस अलग होंगे। मे भी मैं कह सकता हूँ इसका रेशियो हो सकता है वाई वाई। ठीक है, इसका कॉन्सोनेंट हम वाई वाई ले सकते हैं, इसका हम जेड जेड ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स मान लिया, हम उसको वापस ले नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे बेस कैसे इक्वल करने, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये जो आपका दे रखा है ये सेविंग दे रखा है किसका, ए का। दूसरा आपको यहाँ पर भी सेविंग दे रखा है किसका, ए का, कितना, 5x। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 1/5 है ये भी सेविंग है, इज इक्वल टू 5x है, ये भी सेविंग है। देखो दोनों ही सेविंग है, किसकी, ए की, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1y की यूनिट हो जाएगी 5x के बराबर। अगर 1y यूनिट होगी मेरी 5x के बराबर, तो यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर देखो 8y है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो मुझे 8y गिवेन है ये मेरा 40x हो जाएगा। क्या इतना सबको क्लियर है ये 40x कैसे आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ से y हट गया, ऑटोमेटिक x आ गया। अगर सारी वैल्यू एक ही कॉन्सोनेंट में आ जाएगी तो भी हम यहाँ से ये आंसर निकाल सकते हैं, हमारे को एक ही कॉन्सोनेंट चाहिए होगा सोल्व करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको चेंज करा, हमारे को रेंट और ये भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को यहाँ से एक्सपेंडिचर चाहिए शॉपिंग का। अब देखिए ये कैसे चेंज होगा, मैंने कहा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर को हमने 5z माना है और टोटल एक्सपेंडिचर हमने अभी अभी निकाला 40x, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 5z है ये मेरा 40x के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंडिचर है ए के। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8x। अगर 1z की वैल्यू मेरी 8x आ गई तो मैं इजिली कह सकता हूँ यहाँ पे जो 4 यूनिट है, देखिए ये भी z था तो ये भी z होगा और ये भी जेड होगा, क्योंकि इसी में से तो माइनस हुआ है। तो यहाँ पे जो 4z है मेरा एक्सपेंडिचर है जो शॉपिंग का, वो मेरा हो जाएगा 32x, क्योंकि 1z की वैल्यू मेरी 8x है। इतना सबको क्लियर है? यहाँ तक सबके कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करा है। अब ऐसे ही हम सेम बी का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर शॉपिंग ए भी चाहिए और शॉपिंग बी भी चाहिए, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बी के भी लिख लिए। देखिए बी का यहाँ पे ब्लू लाइन दे रखी है हमारे को, सेविंग ऊपर आएगा और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा नीचे आएगा, तो
यहाँ पे मुझे ब्लू लाइन में दे रखा है 16.67% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ऐसे ही दूसरा रेशियो मुझे दे रखा है रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर का, जो कि मुझे रेड लाइन में गिवन है। रेड लाइन दे रखी है यहाँ पे 33.33%, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए मैंने वापस यहाँ पे नोट करा, ये मुझे सेविंग की यूनिट दे रखी है 1 और यहाँ पे मुझे बी की सेविंग की यूनिट दे रखी है 6x। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ की जो 1 यूनिट है, यहाँ की जो 1 यूनिट है, ये मेरे 6x के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा बी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इसको भी अगर मैं 6x से इंटू कर दूं, क्योंकि अगर मेरी 1 यूनिट 6x के बराबर है तो मेरी 6 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेरा जाएगा 36x। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, कितना ईजी हो गया। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप आगे डीआई को बहुत फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम शॉपिंग निकाल लेते हैं। हमने कहा इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो रेंट है और दूसरा हमारे यहाँ पे शॉपिंग है। इसमें से रेंट माइनस कर दो, तो रेंट अगर मैंने माइनस करा तो ये मेरा आ गया 1/2। अब ये मेरा ओनली आ गया एक्सपेंडिचर शॉपिंग का। अब देखिए इसकी भी यूनिट बराबर करने के लिए यहाँ पे जो ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, ये मेरा 3 यूनिट है और अभी अभी मैंने टोटल एक्सपेंडिचर 36x निकाला। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 3 यूनिट है ये मेरी 36x के बराबर होगी, क्योंकि ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है और ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ से मेरी 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, मेरी 1 यूनिट आ जाएगी 12x। अगर मेरी 1 यूनिट 12x आ गई तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो मेरा आया एक्सपेंडिचर शॉपिंग का, ये मेरा 2 यूनिट है, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सपेंडिचर शॉपिंग का बी के लिए मेरा हो जाएगा यहाँ पे 24x, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग की एक्सपेंडिचर मुझे 2 दे रखी है। इतना सबको क्लियर है, ये मेरा आ गया 24x और ये मेरा आ गया यहाँ से 32x, और इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2 करके मैं इसको 56,000 के बराबर रखूंगा। यहाँ से मेरी इजिली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए रख के देखते हैं। तो इन दोनों को मैंने प्लस करा तो ये मेरा बन गया 56x। 56x अपॉन 2 इज इक्वल टू 56,000। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, ये मेरा 56 कट गया, ये 2 इधर चले गया, तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से 2,000। अब एक्स की वैल्यू अगर मेरी 2,000 आ गई तो उसने क्या पूछा है, वॉट इज देयर टोटल सैलरी, इनकी टोटल सैलरी कितनी होगी। अब टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल सैलरी बोलो या टोटल इनकम बोलो, यहाँ पे हमारे को दे रखा है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर मैं यहाँ पर एक ही बात करूँ तो ए में मैंने देखा इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर था ये था 40x, यहाँ पे एक्स था, ये 40x था इसका टोटल एक्सपेंडिचर, और इसकी सेविंग हमने निकाली थी 5x, तो ये टोटल हो गया हमारा 45x, क्योंकि इनकम का जो सम होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इतना सबको क्लियर है, ये 45x कैसे आया। अब ऐसे ही मैं बी का निकाल लेता हूँ। बी का टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा यहाँ पे दिखा हुआ है 36x, और इसकी सेविंग तो हमने निकाली थी 6x है। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो इसमें मैं अगर 6x भी प्लस कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 42x। ये हो गई मेरी बी की इनकम, ये हो गई मेरी ए की इनकम। इन दोनों को मैं वापस प्लस कर देता हूँ क्योंकि मुझे टोटल यहाँ पे सैलरी बोला है, तो ये आ जाएगा मेरा 87x, और एक्स की वैल्यू आपको पता है 2000 है। तो अगर मैं 87 को 2000 से इंटू कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 174,000। ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था इसका डीप कंसेप्ट, ऐसे आपको इस डीए को सोल्व करना था, और ऐसा रेशियो का कंसेप्ट आपको अक्सर मेंस लेवल की डीआई में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर थोड़े बहुत डाउट्स आपके रह गए हैं तो वो आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ, चलिए आप बनाइए।
टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड डी इज ₹23,750। ओके, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी। देखिए सबसे पहले आपने देखा इसमें डिफरेंस दे रखा है एक्सपेंडिचर का, यहाँ पे शॉपिंग और रेंट गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है, सी और डी की बात हो रही है। और अपन को आंसर में क्या निकालना है, अपन को आंसर में निकालना है डिफरेंस बिटवीन किस में, डी का तो शॉपिंग निकालना है और हमारे को रेंट निकालना है बी का। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमने देखा इसमें तीन चीज़ों की बात हो रही है, बी सी और डी, इन तीनों पे बात होगी। तो हमने देखा यहाँ पे इस पूरे पाई चार्ट को हमने माना था कितना, 100x माना था। ओके, तो सबसे पहले मैं इनके सेविंग के रेशियो निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जो पाई चार्ट है हमारे को सेविंग के रेशियो गिवन करेगा। तो बी को मैंने देखा यहाँ पे 15x आएगा, सी का मैंने देखा यहाँ पे 30x आएगा और डी का मैंने यहाँ पे देखा 25x आएगा। इतना सबको क्लियर है। अब इसको मैं और थोड़ा काट लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 3x, ये मेरा हो जाएगा 6x और ये मेरा हो जाएगा 5x। इतना सबको क्लियर है, ये रेशियो मेरे आ गए सेविंग के तीनों के। अब देखिए अपन को शॉपिंग का रेंट का भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बी का कर लेता हूँ, यहाँ पे सी का और यहाँ पे मैं डी का सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपन बी की बात करते हैं। तो बी का अगर मैंने देखा सेविंग अपन एक्सपेंडिचर मुझे दे रखा है, यहाँ पे ब्लू लाइन में दे रखा है 16.67%, मतलब इसका जो सेविंग अपन एक्सपेंडिचर होगा वो मेरा होगा 1/6, क्योंकि 16.67 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। और दूसरा मेरा यहाँ पे रेड लाइन में दे रखा है रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर 33.33%, तो ये मेरा हो जाएगा रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ऐसे मैं सी का लिख लेता हूँ। अब देखो मैंने सी का देखा, सी का ब्लू लाइन में दे रखा है 22.22%। आपको पता होना चाहिए 20.22 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। कैसे होती है, देखो 1/9 की तो आपको पता होगा 11.11%। अब इसके अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा 22.22% और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2/9। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ सीधा मेरा जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर 2/9। इतना सबको क्लियर है। अब रेड लाइन में वो बता रहा है मेरे को रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 11.11%, मतलब ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। ऐसे में डी का निकाल लेता हूँ। तो डी का मैंने देखा ब्लू लाइन मुझे दे रखी है 28.57%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 2/7 और ये मेरा ऊपर दे रखा है सेविंग का, नीचे मेरा दे रखा है एक्सपेंडिचर का, ठीक है। ऐसे ही मैंने रेड वाला देखा 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ये मेरा रेंट का है और ये मेरा एक्सपेंडिचर का है। इतना सबको क्लियर होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब देखिए वैल्यूज कहाँ दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है आपको यहाँ पे 23750 किसकी है, सी का एक्सपेंडिचर है और डी का एक्सपेंडिचर है। तो सी के एक्सपेंडिचर को मार्क कर लो, ये रहा सी का एक्सपेंडिचर और ये रहा डी का एक्सपेंडिचर। अब मैं यही वाला एक्सपेंडिचर क्यों ले रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ पे जो हमारे को रिलेशन दे रखा है ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का दे रखा है और सेविंग का रेशियो सीधा हमारे पास है यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, एक ही कॉन्सोनेंट आएगा जो कि एक्स आएगा और एक्स को हम यहाँ पे इसके बराबर रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर ये जो मेरा सी की बात करूँ, अगर सी की मेरी जो सेविंग की यूनिट है वो कितनी है, मेरे यहाँ पे 2 यूनिट है। अब मैं कह सकता हूँ मेरी जो ये 2 यूनिट है ये मेरी बराबर है, यहाँ पे देखो सेविंग दे रखा है सी का कितना दे रखा है 6x, तो ये मेरी 6x के बराबर होगी। अगर मेरी 2 यूनिट 6x के बराबर है तो मेरी 1 यूनिट हो गई 3x के बराबर। अगर 1 यूनिट मेरी 3x के बराबर हो गई तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 9 यूनिट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरा जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा किसका, सी का, वो हो जाएगा मेरा 9 × 3x इज इक्वल टू 27x। इतना सबको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 9 यूनिट है और 1 यूनिट के लिए मेरी 3x है, तो मेरा सी का एक्सपेंडिचर हो गया 27x। ऐसे ही मैं डी का निकाल लेता हूँ। तो डी का मैंने देखा यहाँ पे मेरे को सेविंग दे रखा है कितना, 2 यूनिट दे रखा है और यहाँ पे भी मुझे सेविंग दे रखा है कितना, 5 यूनिट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसकी जो 2 यूनिट है वो मेरे 5x के बराबर है। तो 1 यूनिट मेरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट मेरे 2.5x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर तो मेरा 7 यूनिट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरा डी का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो मेरा आ जाएगा 17.5%। अगर मैं इस 7 को 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 17.5%। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो 20x आया और ये जो 17.5x आया, इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे हमारे को दे रखा है 23750। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं कर लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मेरा आ रहा 9.5x और इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 23750। तो इसको आप कट कर लो, इसको आप कट करोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 2500। अब हमारा x आ गया, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे वो बोल रहा है हमारे को शॉपिंग चाहिए d की, तो d की शॉपिंग निकाल लो।
देखिए शॉपिंग निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंडिचर है इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो रेंट है और दूसरा हमारा शॉपिंग है। ठीक है, अगर मैं इसमें से रेंट माइनस कर दूं तो मेरा शॉप आ जाएगा, तो मैं इसमें से ये एक यूनिट माइनस कर देता हूँ ना, तो ये मेरा आ जाएगा 1/4। अब ये जो 4 आया ये मेरा ओनली शॉपिंग का आ गया, कहता सबको क्लियर है क्योंकि मैंने यहाँ से रेंट माइनस कर दिया। ओके, अब ये देखो ये भी हमारे को एक्स में बनानी पड़ेगी। अब एक्स में कैसे बनाएंगे, हमने अभी अभी डी का निकाला टोटल एक्सपेंडिचर जो कि है 17.5x, तो मैं कह सकता हूँ ये जो 17.5x है टोटल एक्सपेंडिचर, ये इस 5 यूनिट के भी बराबर होगा क्योंकि ये भी तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 17.5x के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3.5x आ जाएगी ना, यहाँ से 3.5x। अगर मेरी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 3.5x आ गई तो मैं शॉपिंग का आराम से निकाल सकता हूँ जो कि 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मेरा कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा मेरा 14x। तो ये मेरा आ गया डी का शॉपिंग, इतना सबको क्लियर है, ये मेरा डी का शॉपिंग आ गया। अब लास्ट स्टेप जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है रेंट निकालो बी का। अब देखिए बी का रेंट कैसे निकालेंगे, बी का रेंट देखो ये रहा यहाँ पर पड़ा है। बी का रेंट निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सेविंग का गिवन है तो इस सेविंग को ही छेड़ सकते हैं अपन, क्योंकि आगे तो हमारे को सेविंग की वैल्यू गिवन है। तो मैंने देखा 1 यूनिट की वैल्यू सेविंग की जो है हमारी 3x के बराबर है, तो अगर मेरी 1 यूनिट 3x के बराबर हो गई तो यहाँ पे मेरी एक्सपेंडिचर की टोटल तो 6 यूनिट है, तो इसको भी मैं 3x इंटू कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 18x। तो ये जो मेरा 18x आ गया ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अगर ये 18x टोटल एक्सपेंडिचर है तो ये भी तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे वैल्यू है मेरी 3 यूनिट, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 3 यूनिट है ये मेरी 18x के बराबर होगी, तो यहाँ से मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6x। अब मेरी ये जो 6x वैल्यू आ गई 1 यूनिट की, तो रेंट की तो मेरी ऑलरेडी 1 यूनिट ही पड़ी है, तो रेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6x। ये हो गया मेरा बी का रेंट 6x। तो अब मैं आराम से आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर क्या निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने देखा ये 14x है और ये 6x है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 8x, और x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली यहाँ पे 2500 है, तो मैं 8 को 2500 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 200, और ये 2 जीरो तो है ही, 2 जीरो लग जाएगी, तो ये मेरा आ जाएगा 20,000 आंसर हो जाएगा मेरा। तो ये थी इसकी बेसिक अप्रोच। अगर आपको डी अच्छे लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ। इस डीआई में सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, चलिए आप बनाइए। टाइम ओवर, उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, बेसिक्स में बता चुका हूँ, चलिए देखते हैं इसकी अप्रोच क्या रहेगी। तो क्वेश्चन थर्ड हमने पढ़ना स्टार्ट करा, द एवरेज रेंट एक्सपेंडिचर सी डी ई, देखिए यहाँ पे रेंट की बात होगी, ठीक है, इज ₹10500। ओके, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी ओ सी। अब देखिए यहाँ पर बात होगी सी डी ई और बी, मतलब चार जनों की बात होगी, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बी सी डी ई, ठीक है, चार जने लिख लिए मैंने। अब इन चारों का रेशियो बना लेते हैं, ये हमने 100x माना था, बी का हो जाएगा 15x, सी का हो जाएगा 30x, डी का हो जाएगा 25x, और ई का हो जाएगा 17.5x। अब देखिए इसको इजी बनाने के लिए आप सबको है ना 10 से इंटू कर दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150x, ये हो जाएगा आपका 300x, ये हो जाएगा आपका 250x, और ये 175x हो जाएगा।
अब आप इसको काट लीजिए, अब आप इसको 25 से काट लो तो ये आपका 6 टाइम्स कटेगा, ये आपका 12 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 1 टाइम कटेगा, ये आपका 7 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपके पास रेशियो आ गए। ओके, अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपको रेंट निकालना है सी डी ई का, तीनों का रेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों की रेंट की जो एवरेज दे रखी है वो हमारे को यहाँ पे वैल्यूज में दे रखी है, मतलब यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं सी का ही निकालूंगा, डी का ही निकालूंगा और ई का ही निकालूंगा। तो सी के लिए मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मुझे सी के लिए कितना दे रखा है, ब्लू लाइन 2/9 है ना, और दूसरा मुझे रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/9। ऐसे ही मैं डी की बात कर लेता हूँ, तो डी में अगर मैंने देखा ब्लू लाइन दे रखी है मुझे 2/7, ये मेरा हो जाएगा सेविंग का, और नीचे वाला मेरा हो जाएगा एक्सपेंडिचर का, और रेंट और एक्सपेंडिचर का मेरा यहाँ पे दे रखा है, रेड लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/5। ऐसे ही ई की बात कर लेता हूँ, ई में मुझे ब्लू लाइन में दे रखा है 12.50, मतलब 1/8, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर 1/8 हो गया मेरा, और रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर मेरे को दे रखा है 14.29%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/7। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे रेंट रेंट को इक्वल करते हुए चलना है। देखिए रेंट को कैसे इक्वल करोगे, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 12x के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे c का 12x है। अब देखिए थोड़ा फास्ट करूंगा, मैं बेसिक आपको सिखा चुका हूँ, अब जल्दी कैसे करना है वो भी आपको सीखना है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 6x हो गई, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 54x हो गया, तो ये भी मेरा 54x हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये मेरी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 6x है, तो सी का रेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6x। ठीक है, प्लस सबको प्लस करेंगे, फिर बाद में हम इसके इक्वल रखेंगे। ओके, उसके बाद मैंने देखा डी का निकालने के लिए, देखो यहाँ पे 2 यूनिट है, और 2 यूनिट की वैल्यू मेरी 10x के बराबर है, मतलब ये मुझे 5x इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट मेरी 5x के बराबर होगी, तो ये मेरा आ जाएगा 35x। अब मैंने देखा ये जो 35x है ये मुझे 5 के बराबर रखना पड़ेगा, ताकि कि इसका भी जो कॉन्सोनेंट है वो मैं इक्वल कर सकूं, तो ये जो 5 यूनिट मेरी 35x के बराबर है, तो मेरी 1 यूनिट यहाँ पे 7x के बराबर हो जाएगी, तो मेरा रेंट यहाँ से 7x आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डी का जो रेंट आ गया वो मेरा 7x आ गया। अब ऐसे ही मैं ई का निकाल लेता हूँ, ई का मैंने देखा 1 यूनिट मेरी 7x के बराबर है, तो मेरी 8 यूनिट हो जाएगी 56x के बराबर। अगर मेरी पूरे एक्सपेंडिचर 56x है, तो मेरी यहाँ पे 7 यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से मेरी 1 यूनिट हो जाएगी 8x के बराबर, तो यहाँ से मेरा रेंट आ जाएगा 8x, तो मैं यहाँ पे ई का रेंट प्लस कर देता हूँ 8x। अब इन सबको प्लस कर लो, तो ये देखो ये तो आपका 15 हो गया, और ये 6, तो ये आपका हो गया 21x, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 10500। अब देखिए यहाँ पे एवरेज भी लग रहा है, तो एवरेज लग रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप कट कर लो, ये आपका 5 टाइम्स आएगा, तो ये आप यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1500। अगर आपके एक्स की वैल्यू 1500 आ गई, तो उसने क्या पूछा है, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी और सी। तो बी और सी को आप घेर लो, ये रहा सी, बी को भी घेर लो, तो बी को यहाँ पे अलग से लिख लो, तो बी का यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर, तो सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर बी का यहाँ पे दे रखा है मेरे को 1/6, तो यहाँ पे 1/6 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे रेंट अपॉन एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे मुझे 1/3, तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख लेता हूँ। अब मैंने कहा इसकी 1 यूनिट जो है वो मेरी 6x के बराबर है, तो ये मेरा 6x इंटू हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 36x, और ये जो 36x है मेरा 3 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12x। अगर 1 यूनिट के लिए मेरी 12x आ गई, तो यहाँ पे मेरा रेंट है, मुझे क्या निकालना है, रेंट ही निकालना है बी का, तो रेंट की यूनिट तो 1 है, तो यहाँ से मेरी बी की जो रेंट आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी 12x। इतना सबको क्लियर है, बी निकाल लिया मैंने। अब सी का रेंट मैंने ये निकाला हुआ है 6x, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को अगर रेंट को मैं प्लस करूँ दोनों के, तो ये मेरा 18x आ जाएगा। अभी जो मेरा 18x आया, इसके अंदर 2 के रेंट गिवेन है, एक तो सी का रेंट है और एक बी का रेंट है। अब इन दोनों के रेंट में, और इसने पूछा है शॉपिंग एक्सपेंडिचर, इन दोनों का इसमें क्या डिफरेंस है, तो इनके शॉपिंग एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं। मैंने देखा सी के अंदर इसने रेंट के ऊपर 1 यूनिट खर्च करा है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से मैं ये 1 यूनिट को माइनस कर दूं, मतलब 8 यूनिट आ गई, तो 8 यूनिट इसने शॉपिंग पे खर्च करा था, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ पे 6x है, तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पे 48x। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 48x हो गया किसका, सी का। अब ऐसे मैं बी का निकाल लेता हूँ, ये मेरा शॉपिंग का आ गया। अब बी का देखो मैंने यहाँ पे, ये बी का मैंने देखा, अगर इसने रेंट पे 1 यूनिट खर्च करी है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है, इसमें रेंट और शॉपिंग दोनों मिक्स है, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, ये मेरी 2 यूनिट आ जाएगी,
दो यूनिट आ जाएगी किसकी, शॉपिंग की। अब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू अगर मेरी 12 है, तो दो यूनिट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 24x, तो ये मेरा आ गया बी का शॉपिंग। इतना सबको क्लियर है। अब इनको प्लस कर लो, ये एक्स, ये टू, ये वन कैरी, और यहाँ पे सेवन, 72x। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है। अगर मैं 72x में से 18x माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 45, 54x विल बी द राइट आंसर। और x की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, 1500 है, तो मैं इसको 54 को 1500 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81,000, 81,000 विल बी द राइट आंसर। अगर आप एक बार बेसिक समझ लेते हो किसी भी डीआई का, तो आपके लिए फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और अगर आप चाहते हैं मैं आपके किसी टॉपिक पे डीआई बनाऊं, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़िए, वहाँ पर आप मुझे अपनी डीआईज भेज सकते हैं जो आपसे नहीं बन रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर मुझे वो डीआई अच्छी लगी, तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पर भी लेकर आऊँगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट डीआई के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।